गो माता की करुणा अपार, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ। धन्य हो उन भक्तों की जिन्होंने गो सेवा में लगा दी अपनी जान। दोस्तों, इसी कड़ी में आज गिर के एक बहुत ही अच्छे ब्रीडर अहमदाबाद के लाल भाई से मुलाकात हुई और उनकी गोमाताओं के दर्शन हुए। गिर के अच्छे से अच्छे ब्रीडर की जानकारी आप तक हमेशा पहुंचाते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज मिलते हैं लाल भाई से और बहुत सारी बातें जानेंगे उनसे, गिर के बारे में, कैसे गोपालन करें, कैसे गाय को रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर इनका काम है। चलिए मिलते हैं। जय गो माता। जय गो माता। जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट पे। अहमदाबाद और गुजरात के बहुत सारे ब्रीडरों से आपको मिलाया होगा। उसी कड़ी में लाल भाई जो गिर में कई सालों से काम कर रहे हैं और गिर के बहुत बड़े जानकार भी है, आज आपको लाल भाई से मिला रहे हैं। जय गो माता। लाल भाई, जय गो माता। कैसे आप? बस मजे में। आपका नाम बड़ा ही सुना था, 5-6 साल पहले फ़ोन पे बात भी हुई थी पर फिर किसी कारण मिलना नहीं हो पाया। एक बड़ी इच्छा थी कि सभी अच्छे जो जानकार है गिर के उनसे मिलना हो जाए सभी से, तो उसी कड़ी में आज आपसे मिलने की इच्छा थी। तो लाल भाई, गिर में कितने वर्ष हो गए आपको काम करते हुए? गिर में 2008 से। 8 से। तो ये शौक शुरू से था कि आप परिवार में पहले से था कि आप में? मैं परिवार का पहला ही सदस्य हूँ। वैसे हमारे जैसा जब मैं छोटा था तब वो घर के दूध के लिए हमारी दादी दो भैंसे रख रही थी, फिर बाद में 2008 में कि भाई गाय का दूध खाना चाहिए तो दो गाय लाया था। दो गाय? पहली गाय आप कहाँ से लाए थे? पहली गाय एक दोस्त के पास से ली थी, तब कुछ मालूम नहीं था, वहाँ से मैंने ली थी जसदन के पास से। फिर थोड़ा घूमे, फिर पता चला कि ब्रीड क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर प्रदीप सिंह रावल भावनगर से जो अभी स्वर्गवासी हुए हैं उनसे सब मैंने ब्रीडिंग का नॉलेज लिया। अच्छा, उनसे पूरा, बापू से पूरा ब्रीडिंग, बापू से पूरा नॉलेज लिया। और उनके पास जाता था और सब जो भी वो मुझे बताते थे ऐसे मैं इम्प्रूवमेंट करता था। नहीं, बहुत अच्छा हर्ड और जो क्वालिटी वर्क है। तो पहली बार जो गाय में आपने लगा कि भी गिर का जो शौक लगा, तो पहली बार तो दूध के लिए आपने शुरू किया था? हाँ जी। पर जो ब्रीडिंग और बाकी चीज़ें हैं तो उस पर बापू से आपने सीख के शुरू किया? ऐसे तो बापू जी ने 1.5 साल तक तो धक्के ही खिलाए थे। सुबह जाओ, वो उनका सुबह बहुत स्ट्रिक्ट था पहले। सुबह गए, बाद में वो दूध धोने बैठते थे तो बोलते वहाँ बैठो, इधर बैठो, फिर बोले मैं निकलता हूँ। तो 1.5 साल तक तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था। बाद में उन्होंने लगा कि इसको ये नहीं छोड़ेगा मुझे, तब उन्होंने पूरी जानकारी दी। अच्छा गुरु होता है वो, शिष्य की पूरी परीक्षा करते ही करता हूँ बातों के। और बाद में उनसे सब सीखा, पहले उनसे मेरा सबसे बढ़िया बुल था राहुल, उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, राहुल वहाँ से था। उसकी माँ और बाप का क्या रिकॉर्ड था राहुल का? राहुल का बाप था लिलड़ीनो और मदर थी रूपा 140, उसकी दादी थी रूपा 50, जो बाबूजी की बेस्ट गायों में थी। और अभी राहुल सर्विस दे रहा है BAPS मंदिर गोंडल में। अच्छा, गोंडल मंदिर। अरुण भगत जी आए थे, फिर वो मांग के ले गए थे, उन्होंने वहाँ दिया। अभी राहुल की यहाँ पे बछड़िया कौन सी है? कोई है? राहुल की बछड़िया में एक ये रही, ये राहुल की है। कौन सी? ये गोपी, ये बड़ी, ये वाली राहुल। अच्छा, ये राहुल की होगी, क्वालिटी अलग ही दिख जाती है। हाँ जी, तो उसकी सर की अदर की क्वालिटी बहुत ही अलग आती है। तो राहुल भी थे इसी सिंग पैटर्न में? इसी सिंग पैटर्न में था, पर और दूसरी मेरी जो अपना आपने पहली मेरी गौशाला है ना, जहाँ आप पहले आए थे वहाँ थी। और ये राहुल की बेटी है, इनब्रीडिंग ये वाली। हाँ जी, वो लास्ट बेटी है उसकी। अच्छा, ये लास्ट यहाँ से। क्या बात है, बड़ा अच्छे रिजल्ट है राहुल के। राहुल के बहुत बढ़िया रिजल्ट। तो अभी का आपके हिसाब से गुजरात में जो बेस्ट बुल कह सकते हैं वो कौन सा है? मेरे लिए तो मेरा राहुल है। राहुल है मेरे लिए। सबके लिए अलग अलग होते हैं जनरली, फिर भी मतलब दूसरे भी अगर कहे बापू के बुल में सबसे आपकी पसंद का बुल कौन सा है? मेरी पसंद का बुल था सकीनानो, अभी एक राहुल का है गीतानो, दो चार बुल उनके पास बहुत बढ़िया है। रूपानंद भी अच्छा है। रूपानंद। और ये मेरा दूसरा बुल इधर है। अच्छा, क्या बात है, इसका क्या नाम है? नाम है SP। क्या बात, SP। ये बाबूजी के पास से मैं लेके आया था। अच्छा, वहीं से ही? हाँ, ये इसकी मदर वहाँ डेट हो गई थी तो मैं 5 दिन का ही लेके आया था इसको। और बड़ा किया था तो 5 दिन का ही लेके आए थे। हाँ हाँ, इसकी मदर का रिकॉर्ड हो क्या था?
इसकी मदर का रिकॉर्ड तो बहुत ज्यादा मालूम नहीं, पर इसका फादर था राज। अच्छा, राज का बेटा हो गया। हाँ जी, एसपी। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हाँ, 5 दिन का था तब से लाके आपने इसको। 5-6 दिन का उसकी मदर डेथ हो गई थी। हाँ, तो उसकी बेटियां है इधर इस एसपी की। हाँ जी। हाँ, कौन कौन सी एसपी की बेटी? ये पहली खड़ी हुई एसपी। अच्छा, ये सब एसपी की हो गई। एसपी नाम देने का कैसे जचा है? यूनिक नाम हो गया। अच्छा, सर प्रदीप। वाह, ये एसपी की है। हाँ, एसपी की है। अच्छा, एसपी के रिजल्ट भी बड़े जोरदार है। बुल का कितना बड़ा महत्व है ब्रीडिंग के लिए? जो है वही बुली है। बुली है, बुल का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। बुल का और मदर साइड का भी। जब अच्छी नस्ल होगी तो ही कुछ अच्छा आप कर पाओगे, नहीं तो कुछ बुल के सिवा कुछ है नहीं, और अच्छी गाय के सिवा भी कुछ नहीं है। एसपी की बेटी है सकीना, लाइन से है। और ये एसपी की दूसरी बेटी है वो आगे वाली। वाह वाह, एकदम कलर भी अच्छा है इसका, राज वाले ये। हाँ जी, कलर में भी बड़ा जोरदार है, पैटर्न भी बड़ा अच्छा, सब अच्छा। गिर में छोटे बच्चे एसपी के। गिर में वर्तमान में जो एक चलता है ना, लोग कहते हैं कि इतना दूध होता है, इतना दूध होता है, तो आपके हिसाब से गिर का कितना दूध मैक्सिमम? आप तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब नाम भी है 7-8 लीटर बहुत हो गया। गौ माता मानते, दूध बनाने का मशीन नहीं है ये। तो पहले क्या था कि 1-2 गाय घर पे रखो और उसका दूध निकालो और घर पे दूध खाओ। अभी देखा ये हर्ड बनने लगे हैं, और इसमें 1-2 गाय होगी टाइम के, 10-12 लीटर ऊपर की भी हो सकती है, कोई 5-6 की भी हो सकती है, लेकिन एवरेज 7-8 लीटर दूध टाइम का हो, वो गाय लंबे लैक्टेशन तक दूध भी देती है, उसका आर्डर भी अच्छा रहता है और वो बीमार भी नहीं पड़ती है। आजकल क्या है, यंग लड़कों में और कई लोगों में गिर का नया नया क्रेज होता है। हाँ जी, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे गाय पर काम करना है उस पर? तो गाय पर तो काम करने का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पहले तो अच्छा ब्रीड हो, किसी की बातों में ना हो। हाँ, अपने अपने तरह से देखो, समझो पहले ब्रीड को, अच्छी पेडिग्री को समझो, गाय को समझो, बाद में आप आगे बढ़ो। जो भी अच्छे ब्रीडर है उनसे थोड़ी सलाह लो, और कौन से हड़ में क्या है क्या नहीं है वो आप तपास कीजिए। जैसे जनरली से मैं नया आया हूँ, तो गिर के कैरेक्टर में विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, थोड़ा गाय के पास जाके आप बता पाए तो? गिर के लिए तो सबसे पहले तो उसका सर देखिए, क्या बड़ी शानदार खड़ी भी जोरदार हुई है। हाँ, जैसे उसका सर एक जो ढाल आती है तलवार की, वो उल्टी करो ऐसा उसका सर होता है। कान देखिए, कान बहुत लंबे भी नहीं होने चाहिए, छोटे भी नहीं होने चाहिए। उसका ये कोने पे से एंड पे से मुड़े हुए होते हैं। उसके सिंग देखिए नीचे की तरफ निकलते हैं, हम्प देखिए, उसके पैर देखिए कि भाई नाखून बहुत बड़े नहीं है उसके, तो एटलीस्ट थोड़े ज्यादा बड़े है। उसका आर्डर अच्छा है, लेंथ अच्छी है, सेकंड लैक्टेशन पे अभी वो, तो अभी और ज्यादा बड़ी होगी। ये गाय बड़ी जोरदार है ये तो, और खड़ी रहने का इसका एटीट्यूड ही बड़ा जोरदार है। हाँ, ये अर्पिता की ब्लड लाइन से है। इतने साल हो गए और आपने जो हर्ड खड़ा किया, जो मेहनत दिखती है, मतलब गाय अच्छी होती है वो खड़ी दिखती है, कभी जो क्वालिटी होती है ना। हाँ, वो अलग ही दिख जाती है। इनका मैनेजमेंट कैसे रहता है? जैसे आपने भी बापू की तरह एकदम खुला पेड़ों के नीचे रहे, खुले में रहे, और वही वातावरण दिया है जैसा जाएगा। आप समझो गाय माता समझते, लेकिन प्रैक्टिकल एक बात करें रखने के लिए, तो वो एक ऐसे तो एनिमल ही है, तो और इसको आप ज्यादा जितना कंट्रोल करोगे, जितनी ज्यादा फैसिलिटी दोगे, उतना ये बीमार पड़ेगा। उसको इसका नेचर यही है, पहले तो ये जंगल में घूमती थी, खुले गौचरों में घूमती थी, तो उसका नेचर खुला घूमने का है, तो खुला छोड़ो तो उसको आपको इतना ज्यादा उसका मिल्क अच्छा मिलेगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, वो बीमार नहीं पड़ेगी, और नेचुरल वातावरण में उसको मजा आएगा। नेचुरल वातावरण में मजा आएगा इसका। ऐसे में तो ये गौशाला में देखो थोड़ा टीला है। हाँ, ऐसा आपके पास जगह हो तो टीला भी बनाना। टीला क्यों बनाते हैं? टीला मैंने कहा कि जो अच्छे ब्रीडर होते हैं वो टीला जरूर होता है। टीला बनाने का कारण ये है कि आप जब रेनी सीजन में बैठते हो तो आपको मच्छर सबसे ज्यादा कहाँ काटते हैं? नीचे बैठते हैं, इधर से नीचे, तो जमीन से 2-3 फुट तक मच्छर का त्रास ज्यादा रहता है मैक्सिमम। तो टीला करने से वो उसको कम तो होगा, बंद नहीं होगा, लेकिन गाय को आराम मिलेगा टीले के ऊपर। टीले के ऊपर आराम मिलेगा सीजन, और पानी भी अगर भर जाता है तो भी ऊपर हो जाती है, तो दो फायदे हो गए टीले के। दो फायदे, और वो मजा आती है ना, तो देखो ये पूरा उसके सिंग से
पूरी माटी उड़ाती है, आनंद लेती है, आनंद लेती है। अच्छा लगा, पेड़ भी पूरे लगे हुए हैं तो मौसम भी गर्मी हो तो भी ठंडा रहेगा, चारों तरफ पेड़ भी हो गए और गाय का आनंद भी हो गया। बड़ा मतलब बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन, अगर गाय रखनी है तो उसका तरीका ये है, बड़े करोड़ों के शेड बनाने से कोई फायदा नहीं है, गाय अच्छी होनी चाहिए। जनरली आजकल क्या होता है कि हर आदमी गिर का ब्रीडर अपने आप को समझने लग जाता है, तो अच्छी गिर, अच्छी क्वालिटी गिर होती है वो देखते ही समझ में आ जाता है आदमी, वो फील ही अलग होता है। ये अब इन गायों को देख के लगता है कि भाई हाँ ये प्रॉपर अच्छी गाय है, बहुत सुंदर। अच्छी चीज तो पागल को भी समझ में आ जाएगी, पागल को भी आप खड़ा रखो तो वो अच्छी बता देगा कि ये अच्छा है। ना ना अच्छी है गाय, बहुत ही शानदार। लेकिन उसमें कैरेक्टर वाइज, उसके ब्लड वाइज, पेडिग्री वाइज बहुत ध्यान रखना होता है, और वो आप मेंटेन करो तो आप ब्रीडिंग में आगे जा सकते। आजकल एक, आप इतने बड़े जानकार है, धोखाधड़ी बड़ी होती है, इसका बेटा है, इसका ये है, उसका ये, मतलब वो बड़ा हो जाता है नंदी लेने में, तो उसका कैसे ध्यान रखे आदमी? वो तो आपकी नजर के ऊपर ही होता है सब। हाँ, इसका बेटा है, उसका बेटा है, आपने तो नजर पे देखा, क्योंकि वो राज ने तो खारियों, पता नहीं क्या क्या नाम, मतलब सब लोग बना के चीजें हो जाती है, वो आपकी नजर से पता चलना चाहिए आपको कि ये इसका बेटा नहीं है या ये इसका बेटा हो सकता है। इनकी जनरली एज कितनी होती है, मैक्सिमम एज की गाय कितनी? अच्छी खिलाई पिलाई करो तो 12-13 लैक्टेशन तो आराम से देती है, आराम से होते हैं, फिर आगे आपका लग 14 भी जाता है, 18 भी जाता है। फिर भी गुजरात को धन्यवाद है कि उन्होंने मतलब इतना अच्छा हर्ड गिर में इतना किया है, बाकी नस्लें देश की देखो तो विलुप्त हो गई सारी स्थानीय नस्लें सभी। गिर के लिए दो बंदों को धन्यवाद दिया जा सकता है, इन तो सबसे पहले प्रदीप सिंह रावल भावनगर, फिर ये जो संस्थाओं ने काम किया उन्होंने कुछ बचा के रखा है, और फिर सबसे आगे मनसुख भाई सुभागिया कि जिन्होंने गिर का पूरा क्रांति फैलाया, तो गिर का जो प्रमोशन है उसके अंदर मनसुख भाई का योगदान कोई भी भुला नहीं सकता है। बिल्कुल, उसको किताब के माध्यम से उन्होंने पूरी जान लगा दी है, उन्होंने पूरा पूरा का पूरा मेहनत, मनसुख भाई ने बहुत काम किया है गिर के ऊपर, गांव-गांव में जाके क्रांति फैलाई है, और वो मेरे हिसाब से 1990 से तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वो लगे हुए हैं इसमें, और अभी भी कार्यरत है। तो ये जो स्पान है 30-40 ईयर का, तो वो मनसुख भाई ने बहुत अच्छे से गाय के लिए दिया है। ये गाय क्या आनंद से खड़ी है, मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब आप जैसे मुंह ऊपर करके खड़ी एकदम आनंद ले रही, जैसे मतलब गौ माता इसलिए ही है, माँ जीवन का आनंद है, गाय के साथ है। कोई नया अगर व्यक्ति काम करता है, क्योंकि आजकल क्या है कि गिर का क्रेज भी है, और बहुत सारे साउथ के है, स्थानीय गुजरात के भी है, मध्य प्रदेश के है, दिल्ली साइड के है, राजस्थान के, युवा चाहते हैं या कई लोग चाहते हैं कि गाय रखे घर में, तो उनको विशेष क्या ध्यान रखना चाहिए गोपालन या गाय रखने से पहले? गोपालन सबसे पहला तो ऐसी खुली जगह चाहिए, पहला पॉइंट तो खुली जगह होनी चाहिए सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपके पास दो गायों का जो आप निभाव कर सको घर के लिए, तो उतनी इनकम तो चाहिए ही चाहिए, फिर आप इसका मिल्क बेच के कुछ नहीं कर सकोगे, और अच्छा नंदी आपके आसपास या उसके जो बोलते हैं AI डोज वगैरह उसकी आपको पहचान होनी चाहिए कि इधर ये मिलता है, इधर ये मिलता है, और गाय बीमार है तो ये गाय का व्यवहार पे उसको ध्यान रखना चाहिए कि ये गाय आज इसका व्यवहार, हाँ इसका मूड ऑफ है कि थोड़ी परेशान है, तो देख के पता चलना चाहिए। जैसे हम गौशाला में आए तो हमको पता चलना चाहिए कि ये गाय के अंदर बीमारी है या इसको कुछ ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी, तो ये सब मायने रखता है बहुत। प्रॉपर नॉलेज नहीं हो तो गाय को लाना गाय को परेशान करने की तरह होगा। सीखो पर पहले सीखो कि नॉर्मल इसमें का वो रॉकेट साइंस तो है नहीं। जैसे आप इधर आए तो आपने देखा कि गाय को खुला रखा जा रहा है, गाय को उसके जरूरत के हिसाब से चारा दिया जा रहा है, नहीं गाय को चारा दो, नहीं कम नहीं ज्यादा, क्योंकि ये तो एनिमल है आफ्टर ऑल, जितना डालोगे उतना खाएगी, तो वो आपको पता थोड़ा होना चाहिए। और क्या है कि जनरली ये सियाड़ा यानी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में विंटर, तो विंटर के अंदर उसको थोड़ा ऐसा शेड के नीचे रखो और ज्यादा ठंड नहीं लगे, वैसे में तो खुला छोड़ो, और ज्यादा बीमारी आती है बारिश के मौसम में, तो उस वक्त उसका थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा धुआं करो, थोड़ा ये करो, बाकी तो उसकी जो सेल्फ इम्यूनिटी है वो 95%
तो उसको खुद कवर कर लेती है, गाय को आनंद आता है, मतलब आनंद का माहौल होना चाहिए, आनंद का माहौल होना चाहिए, गो सेवा से आदमी सफल हो सकता है। तो ये आनंद भी है और आपको फायदा भी होगा और सभी चीजें एक साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल भाई, आपने टाइम दिया और अपने ज्ञान। एक आपको लास्ट में बोलना चाहूँ कि हमारे डिक्शनरी में से गौ सेवा शब्द निकाल देना चाहिए। प्रत्येक हिंदू और प्रत्येक मानव उसका कर्तव्य है कि गाय का पालन करे, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, क्योंकि हमको हमारी माँ जन्म हमको देने के बाद एक साल ही दूध देती है, हमको उसका दूध एक साल या डेढ़ साल पिलाती है, लेकिन जो गौ माता है वो लाइफ टाइम वो जीती रहती है तब तक हमको दूध पिलाती है। बहुत बड़ी बात की सही बात है। तो इसके लिए हमको इसके ऊपर मान रखना चाहिए और इसका केयर करना चाहिए, और एज अ रिलीजियस पर्सन हमको इसके लिए हमसे जो भी हो सके एक रखो दो रखो पर रखना चाहिए, एक या दो गाय तो आपके पास होनी ही चाहिए। हाँ, वही आनंद है, यानी गौ सेवा शब्द से उसको निकाल के गौ कर्तव्य करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की, गौ कर्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई, जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता।